हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गूगल मैप को कैसे यूज करोगे। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उसको गूगल मैप वो फर्स्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो पता नहीं है कि कैसे गूगल मैप को देख के आप कहीं पे जाओगे। ओके, किसी जगह का नाम आप जैसे लिख दोगे तो सिंपली उसका लोकेशन आपको दिखाई देगा, और कैसे डायरेक्शन पता करके आप उस जगह पे पहुंच सकते हो किसी को बिना पूछे। ओके, तो गूगल मैप को यूज करने का फुल प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गूगल मैप को यूज करने के लिए, सबसे पहले मैं गूगल मैप को ओपन करता हूँ, एबल एप्लीकेशन को। ओके, इसको ओपन कर लेने के बाद आपके सामने एक इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, तो आप क्या करना, सिंपली यहाँ पर देखो आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्च हियर। सिंपली आप जिस जगह पे जाना चाहते हो सिंपली उस जगह का नाम सर्च बार में लिख देना। ओके, किसी पार्टिकुलर आप एरिया में जाना चाहते हो। ओके, तो मान लो कि मैंने चांचुल कॉलेज लिख दिया। ओके, चांचुल कॉलेज। ओके, चांचुल कॉलेज लिख दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक डायरेक्शंस। ओके, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ। डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। देखो आपको फुल डिटेल में दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यू हियर। ओके, मतलब आप इस जगह पे हो, और जो ये लाल आइकन का दिखाई दे रहा है इसी जगह पे वो कॉलेज है जहाँ पर जिस लोकेशन को आपने सर्च किया। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टोटल 32 मिनट्स टाइम लगेगा, और एक कितना डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट कर दोगे तो आपका डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, देखो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो देखो जैसे ही मैंने डायरेक्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो गया। ओके, तो सिंपली इसको जब छोटा करता हूँ तो देखो अब इस मतलब स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप जब कॉलेज की तरफ बढ़ोगे ना तो यहाँ पर टाइमिंग, ओके, यहाँ पर टाइमिंग भी कम होता चला जाएगा। ओके, और डिस्टेंस भी मतलब अभी 12 किलोमीटर है, अगर आप 1 किलोमीटर आगे पहुँच जाओगे तो आपको उस वक्त 11 किलोमीटर दिखाई देगा, और भी आगे तर आगे की तरफ जाओगे तो और भी डिस्टेंस कम दिखाई देगा। ओके, इससे आप इसी हिसाब से आप उस जगह पे पहुँच सकते हो। जब उस जगह पे पहुँच जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि 0 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, मतलब आप उस जगह पे पहुँच चुके। तो यही था प्रोसेस कि कैसे गूगल मैप को यूज करके आप कहीं पर जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि गूगल मैप को यूज करने का फुल प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से पता लग चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद हेल्प मिली तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले बचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, बी गुड टू गुड सेलिब्रिटी विल फॉलो।